आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं या फिर आप वर्कआउट के बाद सही डाइट को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं तो केले का शेक या केले की ठंडी स्मूदी से अच्छा आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता। बरसों से हमें ये बताया जाता आ रहा है कि दूध और केला दोनों ही एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी केले और दूध को साथ में मिक्स कर पीते हैं तो वक्त आ गया है कि इसे पीने से शरीर और मेटाबॉलिज्म पर होने वाले प्रभाव के बारे में सोचा जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसे पीने से हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूध और केले का संयोजन फिटनेस के प्रति जागरूक युवाओं और खाना खाने के शौकीन लोगों के बीच काफी प्रचलित है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रोजाना इन फूड का सेवन मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, क्योंकि ये कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का एक स्रोत होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी बात कुछ हेल्दी खाने या फिर पीने की होती है तो बनाना शेक लोगों के बीच एक प्रसिद्ध विकल्प के रूप में सामने आता है। तो आयुर्वेद में दूध और केले का सेवन लेकिन सही नहीं माना जाता, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कई अध्ययनों के मुताबिक ऐसा पाया गया कि इन दोनों फूड का एक साथ सेवन करना आपके पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक दूध और केले का एक साथ सेवन करना अनुचित माना गया है। आयुर्वेद कहता है कि ये दोनों फूड अलग अलग प्रकृति के होते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र पर अच्छे और बुरे प्रभाव डालते हैं। दरअसल हर फूड की एक अनूठी प्रकृति होती है जो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। अग्नि यानी गैस्ट्रिक जूस की मौजूदगी ये निर्धारित करती है कि शरीर में भोजन के अणुओं को संसाधित करते समय एक विशेष भोजन कैसे प्रतिक्रिया करता है। आयुर्वेद के मुताबिक दूध और केले का जो सेवन है एक साथ, वो खराब कॉम्बिनेशन के रूप में माना जाता है। और ये माना जाता है कि हमारे पाचन को गड़बड़ करने के साथ साथ ये साइनस, सर्दी और खांसी जैसी सांस संबंधी समस्या को भी प्रभावित कर सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक फल और दूध का ये कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में बलगम की मौजूदगी को बढ़ा देता है। दिलचस्प बात यह है कि केला और दूध दोनों के ही प्रभाव ठंडे हैं, लेकिन जब इन दोनों को साथ में लिया जाए आपके पाचन तंत्र के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा इन दोनों फूड के पोषक तत्व सांस संबंधी विकार और साइनस एलर्जी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इसके साथ ही अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे भी दूध और केले के सेवन से दूरी बनानी चाहिए। हालांकि अगर आप थोड़े अंतराल पर इन दोनों फूड का सेवन करते हैं तो ये वास्तव में आपके बेबी के लिए अच्छा हो सकता है। बात करते हैं गर्भावस्था में दूध केले के सेवन ना करने की। एक सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं कि केले और दूध को साथ लेने से शरीर में टॉक्सिन्स का उत्पादन होता है, जिसके कारण एलर्जी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इन दोनों फूड को साथ मिलाने से बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरी पैदा होती है, जो बॉडी वेट और मास दोनों को बढ़ाती है। इसलिए महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान इन फूड का सेवन ना करने की हिदायत दी जाती है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन छाती में बलगम जमा कर सकता है। सर्दी, खांसी, रैशेज, एलर्जी, उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं की ओर ये ले जा सकता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? दूध और केले का सेवन शरीर के विकास के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। हालांकि इन दोनों फूड को साथ लेने से कुछ स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं और बलगम बनने लगता है, जो हमारी सांस प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन दोनों फूड को अलग अलग समय पर लेने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है और मसल्स मजबूत होती हैं। इसके साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है, लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों को आप अलग अलग समय पर इस्तेमाल करें, एक साथ नहीं। ये था आज का आयुर्वेद समाधान। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए देखते रहिए आयुर्वेद समाधान। किसी भी तरह की आयुर्वेद संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद समाधान.com पर जाएं और आयुर्वेदिक उपाय वहां से जान सकते हैं।